बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारे तलबा तलबात, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग? सब ठीक है? चले, शुक्र है अल्लाह का कि आप सब ठीक हैं। और आज हम बायोलॉजी का जो लेसन हमने शुरू किया था कल, उससे आगे चलेंगे। कल हमने बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो उसी सिलसिले में आज हम बायोलॉजी की अगली जो शाख है जिसको पैलियंटोलॉजी कहा जाता है, पैलियंटोलॉजी फॉसिल्स के मुतालिया का नाम है। और फॉसिल्स आप जानते हैं कि ये जो नापैद जानवर जो दुनिया से अब ख़त्म हो चुके हैं, आज से लाखों हज़ारों साल पहले जो ज़मीन में दफन हो गए थे, उनको फॉसिल कहा जाता है और उन्हीं का मुतालिया जो है वो पैलेंटोलॉजी कहलाता है। इसके आगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। एनवायरमेंट आप जानते हैं कि माहौल को कहते हैं, किसी भी जानदार के इर्द गिर्द का जो जगह है या इलाका है जहाँ पे कोई जानदार रहता है, उसको माहौल या एनवायरमेंट कहा जाता है। तो जानदारों और उनके माहौल के दरमियान जो बाहमी अमल है, उसके मुताले का नाम एनवायरमेंटल बायोलॉजी है, या बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम ये मुतालिया करते हैं, उसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद सोशियो बायोलॉजी है। सोशल लफ्ज़ आपने सुना हुआ है जिसका ताल्लुक मुआशरा या मुआशरती है, तो असल में ये शाख जो है ये जानवरों के मुआशरती रवैयों से मुतल्लक है जो मुआशरे यानी सोसाइटीज़ बना कर रहते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान है, इंसान मिलजुल कर रहना पसंद करता है, माशरों में रहता है। इस तरह चींटियां हैं, चींटियां भी अपनी कॉलोनीज बना कर रहती हैं। तो इस तरह के जानदारों का मुतालिया जो है वो सोशियो बायोलॉजी में किया जाता है। इसके अलावा पैरासाइटोलॉजी एक बायोलॉजी की शाख है। आप जानते हैं कि पैरासाइट्स वो जानदार होते हैं जो अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट नहीं गुजार सकते और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो दूसरे जानदारों के ऊपर इन्हसार करते हैं। तो ऐसे जानदारों का मुतालिया जो पैरासाइट्स हों, वो बायोलॉजी की जिस शाख में किया जाता है उसको पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। इसके अलावा आगे बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी असल में ज़िंदा जो जानदार हैं इनका इस्तेमाल करके इंसानों के फ़ायदे के लिए जो काम किया जाता है वो बायोलॉजी की शाख में पढ़ा जाता है, जिसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर आप दही बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। इसके अलावा आप फर्मेंटेशन का जो काम करते हैं, अमले तखमीर, अमले खमीर, ये इससे जो इंसान के फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये बायोटेक्नोलॉजी इसमें आता है। आगे चल के मजीद आप बायोटेक्नोलॉजी की जो मुख्तलिफ अकसाम हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इम्यूनोलॉजी जो है, इम्यूनिटी लफ्ज़ आपने सुन रखा है जिसका मतलब होता है जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त, यानी इंसान का बॉडी जो है अल्लाह ताला ने उसमें सलाहियत पैदा की है कि वो तमाम जो बाहर से हमलावर जरासीम्स होते हैं जो इंसान के जिस्म को बीमार करने की कोशिश करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ हमारा जिस्म एक दिफा करता है और हमारा जिस्म अपने आप को उससे बचाने की कोशिश करता है। तो ये जो ताकत है जिस्म की, इसको इम्यूनिटी कहा जाता है। तो जानवरों के मुदाफती निज़ाम यानी इम्यून सिस्टम का जो इलम है, जो जिस्म में नुकसान दे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ दफा करता है, बायोलॉजी की ये शाख इम्यूनोलॉजी कहलाती है। अच्छा, इसके अलावा एंटोमोलॉजी है। एंटोमोलॉजी जो है ये इंसेक्ट्स या जिनको आप हशरातुल अर्ज कहते हैं, कीड़े मकोड़े, जिस तरह के बिच्छू है, चींटी है, या जिसको भेड़ कहते हैं, या बटरफ्लाई है, ये इस तरह के जो इंसेक्ट्स हैं इनका जो मुतालिया है वो एंटोमोलॉजी में किया जाता है। इसके अलावा फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी जो है ये असल में अद्वियात और जानदारों के जिस्म पर उनके असरात का इलम जो है ये फार्माकोलॉजी कहलाता है। कि कोई भी आप मिसाल के तौर पर आप डिस्प्रीन की या पैरासिटामोल की गोली खाते हैं, तो वो जाकर जिस्म में क्या असर करेगी,
उसके काम करने का तरीकाकार क्या होगा, वो जिस्म में किस किस तकलीफ को आराम दे सकती है, और फिर जिस्म में असर करने के बाद वो जिस्म से कैसे बाहर खारिज होगी, निकलेगी, ये सारा जो इल्म है ये फार्माकोलॉजी में पढ़ा जाता है, जिसको आप बायोलॉजी की एक शाख समझते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को अब हम ख़त्म करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो पढ़ने की रफ़्तार है इसको ज़रा बेहतर और थोड़ा तेज़ रखा जाए, क्योंकि हमने बुक मेथड शुरू किया है और इसमें मेरी कोशिश है कि आप एक एक वर्ड जो है, एक एक डेफिनेशन जो है, वो उसको समझें। तो लिहाजा आप जब भी मेरे साथ बैठने के लिए पढ़ना शुरू करें तो अपनी बुक्स लेकर बैठा करें, और जब भी कोई लफ्ज़ मैं बोलता हूँ या एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ तो प्लीज़ आप उसके मानी या तो अलग अपनी कोई कापी रखा करें, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है। लेकिन चूँकि तेज़ रफ्तारी से ये काम करना है तो बेस्ट ये है कि कच्ची पेंसिल अपने पास रखें और बुक के ऊपर जो मुश्किल इस्तलाहात की जो मैं वजाहत करने की कोशिश करता हूँ तो उसको आप प्लीज़ साथ मानी लिखते जाया करें, और बाद में फिर आप उसको किसी और जगह ट्रांसफ़र करके बुक से मिटा भी सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे कि बायोलॉजी का जो है दूसरे साइंसी रूम के साथ क्या ताल्लुक है, जो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेज, ये हम समझने की कोशिश करेंगे।